जमुआ रामगढ़ के नजदीक दीपोला गांव में रविवार को एक पैंथर ने भाजपा नेता और वन कर्मियों पर हमला कर घायल कर दिया। वन प्रशासन ने दोनों घायलों को CHC जमुआ रामगढ़ में भर्ती कराया। उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। पैंथर एक खेत में तारों में फंस गया। वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू करने के लिए आई थी। थोड़ी देर में वन कर्मी और ग्रामीण खेत पर पहुंच गए। वन कर्मी पैंथर को पकड़ने के बारे में विचार कर ही रहे थे कि तभी पैंथर तार तोड़ने में कामयाब हो गया। गुस्साए पैंथर ने सामने खड़े भाजपा SC मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हनुमान परिडवाल व वन कर्मी शिव कुमार पर हमला कर दिया। यह सब इतनी तेजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। बिजली की गति से पैंथर सामने पहाड़ी की ओर भाग निकला। वन कर्मी पैंथर को पकड़ने में नाकामयाब रहे। हनुमान के हाथ में तो शिव कुमार के सिर पर और पैर पर पैंथर के हमले के गहरे घाव हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हनुमान परिडवाल के दाएं हाथ में 5 टाके आए हैं। शिव कुमार के चेहरे और सिर में पंजे की खरोंच तथा पैर में 4 दांत लगने से घाव हो गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी नितिन शर्मा ने कहा कि दीपोला गांव के आसपास चारों तरफ पहाड़ियों का वन क्षेत्र है। पानी की तलाश में पैंथर नीचे आ जाते हैं। पैंथर पहाड़ों पर लौट गया। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई।